मेजर तुफैल मोहम्मद 22 जून 1914 को होशियारपुर में पैदा हुए, जो अब भारतीय पंजाब का हिस्सा है। आपने अपनी तालीम डीएवी कॉलेज जालंधर इंडिया से हासिल की और फौजी जिंदगी का शौक आपको फौज में ले गया। 1941 में आपने रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करके रॉयल इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया और 1943 में आपको पंजाब रेजिमेंट की फर्स्ट बटालियन में शामिल कर दिया गया। 1957 में आपको ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में एक मिलिट्री कंपनी का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इंडो ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर को महफूज बनाना था और साथ ही साथ स्मगलिंग की रोकथाम भी करना था। मेजर तुफैल मोहम्मद ने कंपनी की कमांड संभालते ही इंडो ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर में अपनी जिम्मेदारी के इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। 1957 में इंडियन आर्मी ने चालाकी और मक्कारी का मुजाहिरा करते हुए इंडो ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी इलाके लक्ष्मीपुर पर पेशकदमी करते हुए कब्जा कर लिया और अपनी पोस्ट कायम कर ली। पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी की इस हरकत के बारे में मालूम हो चुका था। अब पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कंपनी कमांडर मेजर तुफैल मोहम्मद को लक्ष्मीपुर के इलाके को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी दी। लिहाजा मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन पर हमला करने के लिए प्लान तैयार किया और अपने जवानों के साथ रात की तारीकी में महाज पर पहुंच गए। मेजर तुफैल मोहम्मद ने अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में बांटकर 3 अतराफ से हमला करने का प्लान बनाया। एक हिस्से को दुश्मन की पोस्ट के पीछे से हमला करना था और एक हिस्से को दुश्मन के दाएं तरफ से। और एक हिस्से को दुश्मन के सामने से हमला करना था, जिसको वो खुद लीड कर रहे थे। मेजर तुफैल मोहम्मद और इनके साथियों ने 7 अगस्त 1958 की रात को दुश्मन की पोस्ट पर हमला कर दिया। फायरिंग के पहले तबादले में ही मेजर तुफैल मोहम्मद जख्मी हो गए, लेकिन इन्होंने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर पेशकदमी जारी रखी। जैसे ही मेजर तुफैल मोहम्मद और इनके साथियों ने दुश्मन के पीछे से हमला किया, दुश्मन बौखलाहट का शिकार होकर अपनी पोजीशन छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया और लक्ष्मीपुर का इलाका खाली करके भाग खड़ा हुआ। मेजर तुफैल मोहम्मद और इनके साथियों ने लक्ष्मीपुर को फतह कर लिया था। झड़प के दौरान मेजर तुफैल मोहम्मद शदीद जख्मी हो चुके थे। इनको तबी इमदाद के लिए ट्रेन पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से मेजर तुफैल मोहम्मद रस्ते में ही शहीद हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बेमिसाल बहादुरी और जानिसारी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशानी हैदर अता किया। मेजर तुफैल मोहम्मद ये एजाज हासिल करने वाले पाक फौज के दूसरे ऑफिसर थे। पाकिस्तानी कौम को अपने ऐसे शुहदा पर हमेशा नाज रहेगा।